भाई न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीक जागलान की राम राम। आज हिसार में किसान इकट्ठे हुए थे ओपी धनखड़ को काले झंडे दिखाने के लिए यानी उसका विरोध करने के लिए। वो मामला सारा लगभग सुलट गया था, लेकिन जो बीजेपी के विधायक है ब्याणा साहब, उन्हें एक ऐसी नीच हरकत में कहूँगा, उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया, उसके बाद में रोड जाम कर दिया हिसार। मेरे साथ भाई विकास सीसर है, तो के संदेश है भाई आगे के लिए विकास? भाई संदेश यो है, पानी सर तो ऊपर जा लिया है। ये लड़ाई हम तो कानूना की लड़ाई लड़ा दे मारे तो ये आत्मसम्मान पर चोट लागे मारे, और आत्मसम्मान खातर हम उस कौम के बीच, हाँ जिन आत्मसम्मान खातर अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, और मारे मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुँच सकेगी, और हमारी माताओं को अपशब्द बोल लिया जाएगा, अश्लील इशारे कर दिए जाएंगे, मारे जीन का कोई अर्थ नहीं बचता। और निश्चित तौर पर जिस भी आदमी ने ये इशारे करे ना, उसका इलाज होगा, पक्का इलाज होगा, कानूनी तौर पर नहीं सामाजिक तौर पर इलाज होगा। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस भी भाई की निशानदेही हो जाएगी ना, उसने छोड़ना को नहीं, अगर नहीं अगर वो छोड़ दिया तो हमारी माँ का जम्मे ही नहीं। तो भाई यू जो रोड जाम कराया गया है, कब तक यू लागू रहोगा? यो उसका जब तक इलाज नहीं होता तब तक लागू रहेगा। रोड जाम तो कर रखा है कानूनी कार्रवाई खातर है, और ये फुटेज लेने खातर है, और उसकी कार्रवाई कराएंगे हम भाई। अरे जो साथी गिल्ला आंदा हो भाई, सारे भाई सुनो, है कोई साथी गिल्ला आना चाहता हो गिल्ला है जी, उन्हें हम उसकी कार्रवाई जरूर करांगे, उसका पक्का इलाज करांगे। जिसने हाथ कराया है ना उसने, उसका वो जो हाथ कराया हो हमारे भीतर में धरिया। बिल्कुल भाई, जो माता बहन के लिए आप जो आप गामा की बात कराने, माता बहन कहीं अगर कोई गलत इशारा करे या गलत काम करे तो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार भाई बहुत बड़ी गलत कदम आज यू ब्याणा साहब का जो भी गलत था या ब्याणा साहब खुद थे उन्होंने किया है। तो विकास भाई, इव पूरे जो कप्तान सिंह है SHO, उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट कर लिया, आप यहाँ से उठ जाओ। भाई कौन SHO, कौन SP, कौन कमिश्नर, ये सारे SHO आड़े खड़े थे, सारे कमिश्नर आड़े खड़े थे, SP खड़ा था, सारा प्रशासन आड़े खड़ा था, गामा के गुआंडा के सारे जिम्मेदार व्यक्ति आड़े खड़े थे। उसके बाद भी कोई महिलाओं के साथ अश्लील हरकत इशारे कर दिया है, किस बात के SHO हैं, किस बात के SP हैं? मैं रोजाना ये कहता रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी बचे नहीं, प्रशासन नाम की कोई चीजें नहीं, हमने हमारी महिलाओं की सुरक्षा करनी आओ है, किस बात का आश्वासन दे SHO लेंदा क्यों नहीं, उन्हें फुटेज क्यों नहीं दिखाता, यारे बैठे हमने दिखा था कौन आदमी है, उसको शैम मिले कौन है, वो किस बात की जिम्मेवारी ले है। और या तो इशारा वाला प्रशासन का तो सत्यानाश हो रहा है, इन्हें तो लग गई है MLA मुख्यमंत्री प्यारे, इन्हें किसी महिला तक कोई नहीं लेना देना, और ये MLA मारा मारती असली हरकत करके जान लायक रे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो तो कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा का हम करेंगे प्रबंध, यो प्रबंध करेंगे, सारा ताम जामाड़े बैठा था, पाछे तो किते हो जाए किते एकले हो कर कोई राह चलता गेल हो जाए, वह बात हम मान लिया, लेकिन आड़े सारा ताम जाम सारा प्रशासन आड़े बैठा था, उसके बावजूद भी असली ले सारे वो कर गया। इस तो बड़ी शर्म की बात, इस प्रशासन डूब की मर जाओ, SR का SP फांसी खा लो, मैं तो ये कहूँ SR का SP और प्रशासन उनसे ये कहूँ हम ऐसे प्रबंध बांध देंगे। अरे के प्रबंध बांध दोगे, पुलिस सारे सारी खड़ी थी, सारा देश देख रहे हो तो खड़ी थी, ताई कौन खड़ी थी, के प्रबंध बांध देंगे भाई, ये के SHO करेगा, के SP करेगा, रोजाना इन्हें तो हमारा मजाक बना दिया, कुआ किसी प्रकार के हमारे ऊपर केस करें, अरे भी हमारे महिलाओं के ऊपर या तो हैदगी मारी, तो भाई भाई इलाज करांगे इलाज, भगत सिंह के वंशज हाँ, जम्मा आत्म सम्मान बैठे इस बच्चे पर दुखी है, जम्मा पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, इस तरह तो दुख नहीं हो सकता, हमारी माँ आगे नहीं आ रही है सारे करके, और हमने क्या करना जी किन्हें, इलाज करांगे भाई, प्रशासन वाले की में बचाने जाने बचा लिए उनका। तो भाई अभी चेहरा टोल बंद कर दिए हैं, चेहरा भाई टोल बंद हो जाएंगे, हरियाणा बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा तो हम जीवा बंद करेंगे टोल जरूर, हम जीवा अमीन के बेटे बैठे हैं, मैं पूरे विश्वास और हौसले के साथ कहूँगा हम जीवा, उनका पक्का इलाज करांगे, मैं कोई बयानबाजी नहीं करी ना, मैंने कोई चुनाव लड़ना, उस साथी की निशानदेही जिस दिन होगी ना उसका पक्का इलाज करांगे, या मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यह बात बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई कि मैं कोई संगठन साथ दियो चाहे ना दियो, कोई किमें साथ दियो चाहे ना दियो, लेकिन उसका पक्का इलाज करांगे। कानून हमारे लिए बाद की चीज़ है, आत्मसम्मान से जीने के लिए कानून की लड़ाई अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर चोट मारी है, आर चोट मार के दिखावांगे आपने।
तो भाई जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिसने यह बात कही वह डूब मरा, यह बात मैं कहूँ, क्योंकि ऐसी गलती सारे करना भाई किसी की आज़ादी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।